हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी न्यूज़। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण धवन और कियारा आडवाणी की आने वाली नई फिल्म जुग जुग जियो के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द रेड बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन बैनर तले बन रही फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग पिछले कुछ महीनों से की जा रही है और इस अपकमिंग फिल्म में नीतू कपूर के अलावा कियारा आडवाणी, वरुण धवन, अनिल कपूर, प्रजक्ता कोहली और मनीष पॉल जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आने वाले हैं। दोस्तों हाल ही में एक्ट्रेस नीतू कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी कि उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग खत्म कर ली है और अब अभिनेत्री प्रजक्ता कोहली ने भी सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग भी पूरी कर ली है। दोस्तों प्रजक्ता कोहली ने शूटिंग के लास्ट दिन की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर की है और साथ ही कैप्शन में लिखा है कि इस मॉर्निंग में मैंने पहली अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली है। उन्होंने आगे लिखा, मैं और कुछ महसूस नहीं कर रही हूँ, बस आभारी हूँ कि मैं ये ज़िंदगी जी रही हूँ। और दोस्तों अपने इस पोस्ट में इस फिल्म के डायरेक्टर राज मेहता और प्रोड्यूसर करण जौहर को धन्यवाद करते हुए प्रजक्ता कोहली ने कैप्शन में लिखा, धन्यवाद राज मेहता और करण जौहर सर, और साथ ही मेरी प्यारी टीम को भी धन्यवाद जिन्होंने एक लड़की को उसके सपनों को जीने का मौका दिया। दोस्तों प्रजक्ता कोहली एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं और इसके साथ ही वह एक वेब सीरीज़ में भी नजर आ चुकी हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी लंबी है और फिलहाल फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वे प्रजक्ता कोहली को बड़े पर्दे पर देखेंगे। और दोस्तों इस फिल्म की खास बात तो यह है कि काफ़ी लंबे समय बाद एक्ट्रेस नीतू कपूर दोबारा बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं। और आपको बताएं दोस्तों इस फिल्म को राज मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है और इस फिल्म की शूटिंग जल्दी ही पूरी होने वाली है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।